हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रदीप सैनी, गवर्नमेंट आई टी डेलना से आप सभी के सामने एक नई टॉपिक के साथ। देखिएगा, हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्य के बारे में बताया, कार्य क्या है, कार्य की यूनिट्स क्या है, कार्य के प्रकार उन पर हमने डिस्कस किया। कार्य क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में या अपने मूल स्थान से विस्थापित करने को हम कार्य कहते हैं। लेकिन ऊर्जा भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या डिफरेंस है ये आप देखिएगा। कार्य आपका शून्य हो सकता है, वो मैंने बताया भी था आपको, कार्य कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा, ठीक है। लेकिन ऊर्जा हमेशा हमेशा आपका कुछ ना कुछ रहेगी, ये शून्य नहीं होती। तो यहाँ पर यही इन दोनों में डिफरेंस है कि कार्य शून्य हो सकता है लेकिन ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी था, जब थीटा इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है डब्लू बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा या एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो कोस 90 हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको बताया कि था कोस 90 डिग्री, और कोस 90 अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो कोस 90 का मान होता है 1, कोस 90, थीटा इज इक्वल टू 90 तो कोस 90 वहां, यस कोस 90, और कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ये 0। सुनिए, जब cos 90 का वैल्यू शून्य हो गया, अगर यहाँ पर वो वैल्यू आप रखोगे तो f इंटू डी इंटू शून्य, तो w बराबर क्या हो जाएगा, आपका पूरा वर्क शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये मैंने आपको बताया भी था कल, तो उसी को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके साथ साथ फिर हम ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊर्जा से यहाँ मतलब होगा, क्योंकि ऊर्जा के टाइप्स खूब टाइप्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा भी है, द्रव्यमान ऊर्जा भी है, सलयन ऊर्जा भी है, आपके नाभिक की सलयन ऊर्जा उसको बोलते हैं, और आपका सौर ऊर्जा जो हमारे ये सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं, ये भी हमारे काफ़ी ऊर्जा के अलग अलग पार्टीशन हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऊर्जा से मतलब है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है, और उसका जो मात्रक होता है वो वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है, क्योंकि वो सेम कार्य की तरह ही है, वही फॉर्मूला यूज होना है, बस डिफरेंस अंतर ये है कि कार्य शून्य हो सकता है और ऊर्जा शून्य नहीं होती। तो ध्यान से देखिएगा, इसका भी मात्रक वही है जो मात्रक आपका कार्य का था। अब कार्य का फॉर्मूला हमारा क्या था, कार्य बराबर क्या था, कार्य बराबर था बल गुणा विस्थापन। फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी या एस, यही फॉर्मूला था हमारा। अब यहां हम इसके बाद देखते हैं कि यूनिट दोनों की सेम है, वही जूल, या इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊर्जा को यहां पर देख लेते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की है, ठीक है। तो मैं आपको भी बताता हूं ऊर्जा कितने प्रकार के, देखिएगा ध्यान से। ऊर्जा से मतलब है यहां पर यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आपके दो टाइप की होती है। फर्स्ट है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एंड सेकेंड इज स्थितिज ऊर्जा।
की ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पीई में बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी केई। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, इसको यू से भी डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, एम जी एच, एम जी एच। ये ध्यान से देखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ये, और ये आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा, देखो कार्य बराबर होता है आपका, बल गुणा व्यथा बल, क्योंकि वही फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, वही सूत्र यूज करने वाले हैं, या W बराबर F इंटू डी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, F बराबर M इंटू A होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, जब मैंने बताया था आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ मैंने आपको बताया था, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। दूसरा मैं आपको एक यहां पर बता देना चाहता हूं कि यदि एक पिंड, यहां से ये देखिए ये पिंड है, यहां से इसको हमने फोर्स लगाया F, यहां पर स्टार्टिंग में इसमें कुछ इनिशियल वेग होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना होता है 0 ग्राम से, और यहां पर जब ये पहुंचा ये दूरी तय करके, यहाँ ऐसा कुछ भी तो दूरी रहेगी जो भी हो जाएगी वो, ठीक है, यहाँ पर ये पिंड पहुंचा तो यहाँ पर इसका इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ भी तो रहेगी, ये कुछ भी तो रहेगी, ये जिकल तो जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में इसमें क्या लगा आपका, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, विराम अवस्था की बात करें, विराम अवस्था से यहाँ पर जाती है तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 0 प्लस 2 ए एस, तो वी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 2 ए एस, या यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, और अगर ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा 2 एस, ए बराबर क्या बनेगा a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। और दूसरा यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने क्या रखनी है, f की वैल्यू रखनी है, f बराबर m इंटू a बनेगा आपका, ध्यान से दोनों वैल्यू हमें यहां रखनी है। देखिएगा यहां कार्य को हम किससे डिनोट करेंगे, गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी से, तो k से डिनोट करेंगे आप ये निकालने के लिए, k बराबर F इक्वल टू क्या हो गया m इंटू ए, एम इंटू ए इंटू डी, दूरी हो गया ये हमारा डिस्टेंस, d ले लो, s ले लो, जो भी ले सकते हो, यहाँ s भी ले सकते हैं, कोई ऐसा सुनी क्योंकि हम इसमें s ले रहे हैं तो इसको s ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो k इक्वल टू m हुआ, a a का वैल्यू क्या हुआ, वी स्क्वायर अपॉन 2s, वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s, और ये s ये हो गया हमारा, तो S से S हो गया हमारा कैंसिल हो गया, S से S कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारा, देखिएगा आप ध्यान से, तो K is equal to, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, पहले हम स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर वेग की बात होती है किसी भी उसमें, किसी भी पिंड को अगर वेग की बात हो रही है, स्टेट मोशन की बात हो रही है, तो वेग की बात हो रही है, वेग की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, रही हुई ऊर्जा की बात होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो यहां पर हम जब वेग की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तब हम क्या
वो करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है मींस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब आप देखिएगा फो कितना बचेगा, हाफ बचेगा इंटू एम इंटू बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है ये देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक बटे दो एम बी स्क्वायर। हाँ लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ दोबारा फिर इसको, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। नोट डाउन कर लिया होगा आपने सबने। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक दूसरा एक एक क्वेश्चन और उठता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यदि सबसे ज्यादा परीक्षा में आया हुआ है, यदि समय को दो गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहां पर द्रव्यमान से तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्यमान दो गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी दो गुनी होती है, तो द्रव्यमान से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन समय की बात करेंगे, क्योंकि समय में क्या आता है, पी इक्वल टू एम वी होता है, तो दोनों चीज दो गुना करेंगे, पी बराबर एम वी अगर दो टू टाइम किया है। लेकिन वी क्या है, यहाँ पर स्क्वायर में है, वेलोसिटी किस में है, स्क्वायर में बढ़ती है। यदि हम इसको टू टाइम्स बढ़ाएंगे, यदि हम इसको टू टाइम्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, फोर टाइम्स बढ़ जाएगी। यदि हम इसको फोर टाइम करेंगे, ये सबसे ज्यादा प्रश्न उठता है, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि यदि हमने क्या वेग को या समय को चार गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। यदि हम समय को या वेग को, यहाँ पर वेग की बात करेंगे हम समय का, क्योंकि एम का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, एम तो प्रोपोर्शनल में आता है इसके, लेकिन ये स्क्वायर में चलता है, तो जो चीज़ स्क्वायर में चलती है वो थोड़ा अगर वो तो उसमें थोड़ा हम गति प्रदान करेंगे, यानी कि उसको दो गुना या तीन गुना या चार गुना करेंगे तो स्क्वायर में बढ़ रहा है आपका। यदि हम चार गुना करते हैं गति, यानी कि वेलोसिटी हम चार गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सब प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको बता पाएंगे कि यदि वेग दो गुना बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी चार गुना हो जाती है, यदि वेग चार गुना करते हैं आप फोर टाइम करते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 16 गुना हो जाएगी, 16 टाइम हो जाएगी। इससे ये प्रूव भी होता है। नेक्स्ट आगे करते हैं हम स्थिति ऊर्जा पर, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप ने उतार दिया होगा, मैं समझता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, कार्य बराबर वही बल गुना विस्थापन हमने पढ़ा है, यहां पर हम बात कर ले गतिज ऊर्जा की, मींस वो स्थिति ऊर्जा मींस पोटेंशियल एनर्जी, रही भी ऊर्जा। जब हम बात करेंगे किसी पिंड को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, या फिर बात कर लें कि कोई बंदा ये जो सीढ़ी है आपकी, ये सीढ़ी है, ये ऐसे 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 ये सीढ़ी चढ़कर कोई बंदा कितने मीटर चढ़ गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी जो थी वो एस थी, या मैंने 20 मीटर चढ़ गया, 20 मीटर चढ़ गया, यानी कि उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, ये इस टाइप के मैं आपको प्रश्न नहीं कराऊंगा, वो बाद में कराऊंगा। इतनी हाइट एच इज इक्वल टू, ये एच इज इक्वल टू बात करेंगे, एच बराबर 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 20 मीटर। तो इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है कुछ, इसको 9.8 ऑलरेडी होता ही है, उसको 10 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे, वो चीज़ आप देखिएगा ध्यान से। पहले एस इज इक्वल टू, यहाँ एस से मतलब होगा एच से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पिंड को, किसी भी पिंड को या किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर लेके जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर लेके जा रहे हैं। पृथ्वी से ऊपर लेके जाने पर क्या होता है कि हम गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके अगेंस्ट कार्य करते हैं, उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो वो एफ डब्ल्यू बराबर एम जी, तो वो काम करता ही करता है। तो डब्ल्यू बराबर वहां पर, यहां पर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ इज इक्वल टू, यानी कि F होगा यहाँ पर, वो वेट, वो भार, वो बल F के बराबर होगा, mg होता है वो, mg। और S हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, S बराबर होगा h के इक्वल, जो दूरी है वो h के इक्वल होगी, यानी कि हाइट के इक्वल होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। और यहाँ W से
मींस होता है पोटेंशियल एनर्जी पीई, और इसको दूसरा क्या बोलते हैं हम, यू भी बोलते हैं। अब एफ की वैल्यू रखें, अगर हम एफ इक्वल टू हम जानते हैं एम इंटू जी और एस इज इक्वल टू एच, तो U बराबर या PE बराबर PE और U बराबर क्या होता है MgH। ये ऐसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा यहां पे लिखेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा U बराबर क्या आता है MgH। किसी भी पिंड में रही हुई ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या रबड़ को खींचते हैं या फिर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो वहां पर जो ऊर्जा होगी, इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई सीढ़ी चढ़कर, कितनी सीढ़ी चढ़कर, 20 सीढ़ी चढ़कर या 50 सीढ़ी चढ़कर एक बंदा ऊपर जाता है, कितने हाइट पर जाता है वो, 20 मीटर हाइट पर चला जाता है, और वो 60 किलोग्राम का बंदा है, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी, उसके अंदर कितनी ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा मन मींस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस तरह निकालोगे उसको ये फॉर्मूला के थ्रू एम जी एच, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका काम करेगा, जी इजिकल टू 9.8 वो होता ही है, मैंने पहले ही बताया हुआ, जी इजिकल टू 9.8 जिसको हम जी कैलकुलेशन की सरलता के लिए 10 भी दे सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं इसकी आपको ये कौन सी राशि है वो बताना थोड़ा भूल गया, उसको मैं एक बार बता देता हूं आपको रिकैप करते हुए कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो एनर्जी था। एनर्जी क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा और जूल में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती और कार्य शून्य हो सकता है। कार्य शून्य कैसे हो सकता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, उसमें मैंने तीनों बताए थे, कार्य ऋणात्मक कब होता है, कार्य धनात्मक कब होता है, कार्य शून्य कब होता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको यूनिट भी बताई थी, कार्य बराबर एक फॉर्मूला भी बताया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन कैसे होता है, उसकी यूनिट्स देखो। कार्य क्या है, अधिश राशि है, कार्य अधिश राशि है, तो यहां पर ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा भी एक, ऊर्जा भी अधिश राशि है, अधिश राशि है। कैसे कैसे अधिश राशि है कार्य और ऊर्जा, क्योंकि एफ डब्ल्यू बराबर क्या है एस, एफ इंटू एस, एफ क्या है हमारा ये वेक्टर राशि है और एस क्या है यहां डिस्प्लेसमेंट से है, एस से मतलब, तो एस भी अधिश राशि है, वो सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या बोलती है अपने आप में, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। तीसरा और है इसका कि वो सदिश नियम का, सदिश के नियम का पालन करे, सदिश योग के नियम का, तो वो भी ये पालन करती है। तो ये दोनों हमारे सदिश राशि है, जब भी सदिश का प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो सदिश का, तो वो जो राशि बनती है उसको हम अधिश राशि बोलते हैं, यानी कि वो जो क्वांटिटी बनती है, अधिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी, तो वो अधिश राशि होती है हमारी। तो हम क्या हुआ, कार्य भी अधिश राशि है और ऊर्जा भी अधिश राशि है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। गति ऊर्जा बराबर है 1/2 mv² और कार्य बराबर है हम ये क्या नाम पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर होता है MgH। उस वो दोनों में फॉर्मूले मैंने बताया आपको। तीसरा क्या है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे आगे, और एक इसका और रूल है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, इसको क्या हो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और वो बदलने के हमारे अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग युक्तियां हैं जो आज का मनुष्य यूज करता है। कैसे, वो कौन कौन सी युक्तियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे आपका
एक जनरेटर है, जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही एक मोटर है, मोटर क्या काम करता है आपका, मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस टाइप की हमारी ये युक्तियाँ हैं, हम कितनी ही युक्तियाँ हम यूज करते हैं तो वो भी एनर्जी के पार्ट ही हैं, कि वही वो युक्तियाँ हैं जिसको हम जो हम यूज करते हैं, तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इन जो मैंने में आपको प्रूव कराया है, ये यू बराबर एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 1/2 m², इससे संबंधित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न और शक्ति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बारे में वो न्यूमेरिकल परीक्षा में आने वाले प्रश्न भी करेंगे। वो मैं समझता हूँ आज के इस टॉपिक को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7351344288 पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। कमेंट्स मैंने ऑन किए हुए हैं, आप मुझे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।